गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड फर्स्ट इन वर्ल्ड चेक करेंगे कि कौन सा कप किस कंट्री ने पहले जीता था, उनके ईयर्स और उन कुछ और थोड़े डिफरेंट फैक्ट स्टैटिक जीके से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट टीम टू विन आईफा वर्ल्ड कप। तो पहली टीम जो जिसने आईफा वर्ल्ड कप जीता था वो थी उरुग्वे। 1930 में जो पहला आईफा वर्ल्ड कप हुआ था उरुग्वे ने इसको जीता था। इसने अर्जेंटीना को हराया था फाइनल में, तो रनर अप जो थी वो अर्जेंटीना थी, विनर उरुग्वे थी। अगर हम उरुग्वे की बात करें तो ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है मोंटेविडो। मोंटेविडो कंट्री उरुग्वे साउथ अमेरिकन, मोंटेविडो इसकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी वो है पीसो उरुग्वे। ठीक है, तो याद रखना, मे बी पूछा जा सकता है। द फर्स्ट टीम टू विन आईफा विमेन वर्ल्ड कप। विमेन्स की हम बात करें, हमने मेंस की बात करी, विमेन की बात करें तो ये है यूएसए। 1991 में फर्स्ट हुआ था, जीता था यूएसए ने। इस समय जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं वो है जो बाइडन। कैपिटल सबको ही पता होगी, वॉशिंगटन डीसी। फर्स्ट टीम टू विन हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप फर्स्ट टीम थी पाकिस्तान जीतने वाली 1971 में। 1971 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर भी हो चुका है जिसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से जानते हैं। इसमें पाकिस्तान हारा था इंडिया से और एक न्यू कंट्री बनी थी जो कि पहले ईस्ट बंगाल थी और वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हुई थी। तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद और यहाँ के इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय। तो पाकिस्तान अब तक की सक्सेसफुल टीम रही है हॉकी वर्ल्ड कप की। 8 टाइटल इन्होंने जीते हैं। इंडिया ने सिर्फ अभी तक एक टाइटल जीता है हॉकी वर्ल्ड कप में, वो जीता है 1975 में। कब जीता? 1975 में इंडिया ने एक बार जीता है, सॉरी पाकिस्तान ने 8 नहीं 4 जीते हैं, 4। ठीक है, तो 2018 में हुआ था लास्ट हॉकी वर्ल्ड कप, 2018 में हुआ था, वो हुआ था भुवनेश्वर इंडिया में, भुवनेश्वर। ठीक है, और इसे जीता था बेल्जियम ने। बेल्जियम एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, इसने इसको जीता था बेल्जियम ने। बेल्जियम की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स और इसकी करेंसी है यूरो। तो 2018 में जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसे जीता था बेल्जियम ने। और इससे 2018 का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडिया में हुआ था और 2023 में अब नेक्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो भी इंडिया में ही होगा, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उड़ीसा के अंदर, ये भी उड़ीसा में हुआ था और ये भी उड़ीसा में ही होगा। इंडिया फर्स्ट टीम टू विन द वीमेन हॉकी वर्ल्ड कप तो वो है नीदरलैंड। ठीक है, एम्स्टरडैम इसकी कैपिटल है, एम्स्टरडैम इसकी कैपिटल है। नीदरलैंड ने इसका फर्स्ट वीमेन हॉकी वर्ल्ड कप जीता था जो कि हुआ था फर्स्ट टाइम 1974 में। इंडिया ने अब तक इसका एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। फर्स्ट टीम टू विन क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप फर्स्ट टीम वेस्ट इंडीज़ थी। वेस्ट इंडीज़ ने दो क्रिकेट वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीते थे 1975-1979, देन 1983 में इंडिया ने जीता था अंडर कैप्टनसी ऑफ कपिल देव। ठीक है, कपिल देव की कैप्टनसी में, और इसके बाद जीता था 2011 में। ये हम 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। इनिशियली जो ये 50 ओवर वर्ल्ड कप है ये 60 ओवर के होते थे। 2011 में जो हुआ था 50 ओवर का था और इसे हमने जीता था अंडर कैप्टनसी ऑफ एमएस सिंह, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, फर्स्ट टीम टू विन विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप तो वो थी इंग्लैंड। इंग्लैंड ने फर्स्ट टीम थी जिन्होंने विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। और जो 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड हुआ था, ठीक है, उसे भी इंग्लैंड ने जीता था 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि हुआ भी इंग्लैंड में ही था, कंट्री इंग्लैंड ही थी और जीता भी इंग्लैंड ने था। न्यूजीलैंड रनर अप रही थी और न्यूजीलैंड ने रिसेंटली
टेस्ट चैंपियनशिप जीती है इंडिया को फाइनल में हरा के, टेस्ट चैंपियनशिप जो कि 2021 में जिसका फाइनल हुआ है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ये 2 साल की एक चैंपियनशिप होती है इस टेस्ट मैचेस से रिलेटेड, और इंडिया इसके फाइनल में पहुंची थी न्यूजीलैंड के साथ, तो टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी न्यूजीलैंड ने इंडिया को फाइनल में हराकर। द फर्स्ट टीम टू विन वर्ल्ड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप तो 2007 में इंडिया ने जीता था। इस टाइम भी कैप्टन MS धोनी ही थे। और अगर हम टाइटल्स की बात करें तो 2007 में तो T20 वर्ल्ड कप हो गया, फिर 2011 में 50 ओवर वर्ल्ड कप यानी ODI वर्ल्ड कप हो गया, जो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया, फिर 2013 में चैम्पियन ट्रॉफी हो गई, चैम्पियन ट्रॉफी। तो ये अंडर कैप्टनसी ऑफ MS धोनी आए। फर्स्ट टीम टू विन डेविस कप, डेविस कप जो होता है वो होता है तुम्हारा टेनिस के लिए, ठीक है, और इसे जीतने वाली पहली टीम थी USA। टेनिस के लिए होता है, USA ने पहली बार 1900 में खेला गया तो USA ने इसको जीता था। फेड कप का मतलब होता है फेडरेशन कप, फेडरेशन कप जो जीता था ये भी टेनिस के लिए है, ये भी USA ने जीता था। मेडेका कप हुआ था, ये कप होता है फुटबॉल में। सबसे पहली टीम जीतने वाली कौन थी? हांगकांग। फिर है राइडर कप, सबसे पहले जीता USA ने। राइडर कप जो होता है वो होता है तुम्हारा गोल्फ के लिए, किसके लिए? गोल्फ के लिए। थॉमस कप जीतने वाली पहली टीम थी तुम्हारी मलेशिया, और ये होता है बैडमिंटन के लिए। ऊबर कप ये भी बैडमिंटन के लिए होता है। अच्छा ये बताओ कि थॉमस कप मेंस के लिए है, विमेंस के लिए है, या फिर दोनों के लिए है? कमेंट में लिख के बताना। और ऊबर कप मेंस के लिए है या विमेंस के लिए है, या दोनों के लिए है, ठीक है। फिर सुधीर मन कप है जो कि इंडोनेशिया ने फर्स्ट टाइम जीता था, और ये मिक्स होता है, मिक्स्ड बैडमिंटन होता है ये, ठीक है, ये भी बैडमिंटन। तो 3 कप यहाँ पर बैडमिंटन के पड़े हमने, कौन कौन से? थॉमस, ऊबर और सुधीर मन। राइडर कप गोल्फ के लिए, मेरडेका कप फुटबॉल के लिए, और डेविस और फेड कप इज फॉर टेनिस, ठीक है। तो ये कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैक्ट्स थे, और उनसे जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं तुम्हें बता सकता था वो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो क्लिप थोड़ी छोटी ही रखनी है ताकि तुम्हें आसानी रहे उसे देखने में। ज़्यादा लंबी क्लिप हो जाती है तो फिर उसे देखने में इंटरेस्ट भी खो जाता है, इसलिए छोटी क्लिप्स बनाई जा रही हैं। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।